संसार आपको स्वार्थ के कारण तब पूछेगा जब आप कुछ बन जाएंगे, लेकिन सदगुरु आपको तब स्वीकार करेगा जब आप कुछ भी नहीं। एक सज्जन बोले कि गुरुजी बनाने से क्या, अरे बिना गुरु के भी भजन कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं भजन, तो भजन देखो ये मत सोचना कि जिसने दीक्षा नहीं ली उसका भजन बेकार है। भजन तो काम में आए, जैसे आप खेत में उल्टा सीधा कैसा भी बीज डालेंगे वो उगेगा, उसी तरह आप राम नाम चाहे जैसे जपे कल्याण होगा। लेकिन वही राम नाम यदि आप गुरु आश्रय में जाकर के जपेंगे तो बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और बड़ी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। बिना गुरु के आश्रय के भजन किया तो क्या होगा? बोले इस जन्म में खूब भजन किया तो ये होगा कि अगले जन्म में आपको किसी श्रेष्ठ सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, श्रेष्ठ सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी और फिर सदगुरु के आश्रय से भगवान मिलेंगे। और अभी सदगुरु का आश्रय ले लिया तो फिर तो भगवत कृपा भी हो जाए। एक प्राकृत उदाहरण आपको दें, कोई बगीचा है और उसका कोई माली है, तो जिस बाग का कोई माली है उसकी शोभा उसका सौंदर्य अलग दिखेगा और जिस बगीचे का कोई माली नहीं है वो अलग दिखेगा। माली होगा तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि कौन सी डाली को किधर सीधा करना है, कोई खरपतवार हो रही है तो उसको निकालना है, कचरा हटाना है, पौधों को व्यवस्थित करना है, कब खाद देना है, कब पानी देना है, सब माली को पता है कि नहीं। उसी प्रकार कहा जाता है कि हमारे जीवन रूपी बगिया को सजाने के लिए सदगुरु माली का काम करते हैं, वह हमारे जीवन से दुर्गुणों को हटाते हैं और सुंदर हमारे जीवन को सजा करके उस बगिया की तरह सजा देते हैं जैसे एक माली अपने बगीचे को सजाता है। अब कई लोग कहते हैं कि मंत्र जब गुरुजी देते हैं तो मंत्र तो कहीं से भी लिया जा सकता है, मंत्र तो पुस्तकों में भी लिखे हुए हैं, आजकल तो इंटरनेट पे सब खोज लेते हैं लोग, उस पे भी मिल जाता है। लेकिन जो गुरु मंत्र परंपरा से प्राप्त है, जैसे अलग अलग परंपराएं हैं, सनकादिक भगवान की परंपरा है, माता भगवती लक्ष्मी की परंपरा है, भगवान रुद्र की परंपरा है, तो ये जो परंपराएं हैं इन परंपराओं में जो मंत्र चलता है दीक्षा का वो परंपरागत चलता है। गुरुजी अपने मन से कोई मंत्र नहीं देते, कौन सा मंत्र देते हैं? जो उनके सदगुरु ने उनको दिया, उनके सदगुरु ने उनको दिया। तो इस तरह से परंपरागत रूप से जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसमें वह सामर्थ्य है जो इतने लोगों ने उसको जपा है, उसकी सिद्धि उसका सामर्थ्य उसमें बराबर है। तो वह सामर्थ्य जो है लेकर के जब गुरुजी आपको मंत्र देते हैं, कान में मंत्र प्रदान किया तो वह मंत्र आपके लिए एक दिव्य ऊर्जा की तरह काम करता है और आपके जीवन को एक नवीन ऊर्जा से भर देता है। ऐसे समझिए कि आप बंदूक की गोली है ना, बंदूक में जो गोली लगती है कारतूस लगता है, अब आप उसको बिना बंदूक में लगाए ऐसे उठा के किसी को फेंक के मारी मारी, चोट तो लगेगी पर व्यक्ति मरेगा नहीं, क्योंकि वो हाथ से ही फेंका गया है। और उसी को आप बंदूक में डाल करके और उस विधि से लगाइए तो क्या होगा, उसकी गति बहुत तीव्र होगी, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। तो हम कहीं से मंत्र पढ़ ले सुन ले वो तो ऐसा हुआ कि जैसे सीधा हमने गोली उठा के ऐसे चला दी, लेकिन जब वो गुरु के मुख से आता है और उस परंपरा से प्राप्त होता है तो जैसे बंदूक से गोली निकलने के बाद काम करती है, ऐसे ही हमारे समस्त दुर्गुणों को समाप्त कर देता है और दुर्गुणों को समाप्त करके अंतःकरण को सजाने लगता है, सवारने लगता है, बना देता है। इसलिए जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है।